हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल अमित आहूजा, जहां हम कोशिश कर रहे हैं हर एक अपडेट जो हमें सबसे पहले मिल रही है हम आपसे शेयर कर रहे हैं और आपको अपडेट हम लगातार कर रहे हैं। गाइस, जेईई मेन 2023 के अपर लेटेंट का एक और ब्रेकिंग अपडेट निकल के आया है और इसमें एक ऐसा खुलासा जो सबसे पहले इस चैनल पर आपको किया जाएगा, जेईई मेन 15 अप्रैल के एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड रिलीज करते समय हमने कुछ ऐसी चीज देखी जिसमें आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले शायद ये चैनल होगा जिस पे आपको बात पता चलेगी। जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट में 15 अप्रैल को केवल और केवल एक शिफ्ट में ही बीबीटेक का पेपर होने जा रहा है और वो भी मॉर्निंग के शिफ्ट है, इवनिंग के शिफ्ट में बीबीटेक का पेपर नहीं है। हमने करीबन 15 से 20 बच्चों के डिटेल देखी और उन डिटेल के अकॉर्डिंग हमें सारे बच्चों के एग्जाम जो है मॉर्निंग शिफ्ट में ही दिखाई दिए रहे हैं। और अभी तक जो फीडबैक हमें मिला, कुछ सेंटर्स पे हमने बात करने की कोशिश करी, पता चला कि 15 अप्रैल को केवल और केवल मॉर्निंग शिफ्ट में ही बीबीटेक का पेपर कंडक्ट होने जा रहा है। अब इसमें एक बात और निकल के सामने आई है कि जेईई मेन ने जो 12 अप्रैल को इवनिंग शिफ्ट में बीबीटेक का पेपर नहीं है और 15 अप्रैल को भी इवनिंग शिफ्ट में बीबीटेक का पेपर नहीं है, तो टोटल मिलाकर के 12th शिफ्ट यानी 12 शिफ्टों में 12 शिफ्टों में जेईई मेन का बीबीटेक का पेपर कंडक्ट होने जा रहा है। जो कि मैंने पहले कहा था 13 शिफ्ट में, मुझे ऐसा लग रहा था कि 15 अप्रैल को सुबह शाम दोनों शिफ्ट में एग्जाम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जेईई मेन का बीबीटेक का पेपर केवल 12 शिफ्टों में ही कंडक्ट होने जा रहा है। इससे फर्क क्या पड़ने वाला है, इससे अगर हम यूनिक कैंडिडेट के अकॉर्डिंग पर शिफ्ट में बच्चों के जो नंबर ऑफ कैंडिडेट की एक आइडिया लगाने की कोशिश करें कि 9,40,000 बच्चों ने जेईई मेन जनवरी के बाद अप्रैल सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, इसमें 50,000 बच्चे मैक्सिममली ऐसे होंगे जो केवल बीआर के लिए केवल इंटरेस्टेड होंगे, तो भी 8,90,000 में अगर हम जनवरी की तरह 95% बच्चों की प्रेजेंस मान के चले तो 8,00,000 करीबन 45,000 बच्चे जेईई मेन के अप्रैल सेशन में पूरा मिलाकर के बैठने वाले हैं। अगर हम 8,45,000 बच्चों को 12 शिफ्टों में डिवाइड करें तो एक शिफ्ट में 70,400 के आसपास बच्चा एग्जाम दे रहा है। तो गाइस, आप सबके लिए बहुत बड़ा अपडेट, 15 अप्रैल को जिनका एग्जाम है वो जाइए जेईई मेन की वेबसाइट पर, उनका हॉल टिकट अपडेट हो चुका है और साथ साथ 15 अप्रैल को केवल एक शिफ्ट मॉर्निंग की शिफ्ट में एग्जाम बीबीटेक का कंडक्ट होने जा रहा है। अगर कोई भी स्टूडेंट आप में से ऐसा हो जिसका 15 अप्रैल को एग्जाम है, उसकी इवनिंग की शिफ्ट आई हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चों के डेटा को कलेक्ट करके चेक किया और मुझे केवल 15 अप्रैल में मॉर्निंग शिफ्ट में बीबीटेक का हॉल टिकट रिलीज करता हुआ दिखाई दिया, यानी बीबीटेक का एग्जाम केवल मॉर्निंग शिफ्ट में 15 अप्रैल को है। जैसा कि आज बीबीटेक का पेपर केवल मॉर्निंग शिफ्ट में था और बीआर का पेपर 12th को आज इवनिंग शिफ्ट में कंडक्ट हो रहा है। तो मिलते रहेंगे करियर के सारे अपडेट्स के साथ। अब बीबीटेक का पेपर अप्रैल सेशन में केवल 12 शिफ्टों में कंडक्ट होने जा रहा है, ये मेरे पास एक क्लू आया, मैंने आपसे इस चैनल पर सबसे पहले शेयर किया। चैनल पर हर एक अपडेट के लिए बने रहे, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और साथ साथ इस चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर अथॉन्टिक और सबसे पहले कोशिश करी जाती है कि आपको बेस्ट गाइड किया जाए। विश यू ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए अपनी क्वारीज, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन के क्वारीज के सॉल्यूशन पहुंचाऊंगा। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।